हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा डियर फ्रेंड्स हम लोग जो सोलिड स्टेट की हमारी यूनिट है उसका हम लोग एक आ, रिवीजन ले रहे हैं और उस रिवीजन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सोलिड्स तो ये जो क्रिस्टलाइन सोलिड्स हैं पिछले वीडियो में हमने देखा है कि सोलिड्स के दो टाइप होते हैं एमोरफस और क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सोलिड ही कौन से होते हैं ट्रू सोलिड्स होते हैं तो इन्हीं का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं आ, यस yes, सबसे पहले देख लेते हैं किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है इनको या, इन, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं संगठक कण होते हैं उनके बीच में कौन सा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं उनके आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे ये चार टाइप के हो सकते हैं मोलिकुलर आयनिक मेटेलिक और कोवलेंट सोलिड तो इन चारों प्रकारों को हम लोग स्टडी कर सकते हैं टेबल के माध्यम से जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टेबल में इस पूरे टॉपिक का जो सार है वो आ गया है सबसे पहले इस टेबल में कॉलम देख लेते हैं यहाँ टाइप ऑफ सोलिड है और यहाँ कॉन्स्टिट्युए पार्टिकल है कौन से सोलिड में कौन सा कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में वो यहाँ है यहाँ कुछ एक्साम्पल्स हैं फिजिकल नेचर उनकी कैसी होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या है मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई है या नहीं है ये सारे कॉलम हैं सबसे पहला है मोलिकुलर सोलिड मोलिकुलर सोलिड में भी इंटरनल तीन टाइप है नॉन पोलर पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सोलिड में आपका कॉन्स्टिट्युए पार्टिकल कौन से हैं मोलिक्यूल्स नाम से ही पता चल गया मोलिक्यूल्स okay? कौन से हैं देखते हैं नॉन पोलर जो मोलिकुलर सॉलिड होते हैं ये देखिए नॉन पोलर नोबल सारी नॉन पोलर होती है और जो नॉन पोलर होते हैं वो भी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड बनाते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स ठीक है इसी तरह से पोलर मोलिक्यूल्स पोलर मोलिक्यूल्स यानी कि जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है एच सी ये सब पोलर पोलर मोलिक्यूल्स है ना इनमें अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरक्शन और इसी के साथ नॉन पोलर में ये सब भी नॉन पोलर हैं हाइड्रोजन है आपका आयोडीन है आपका सीओ टू है ये सब नॉन पोलर मोलिक्यूल हैं तो जो भी नॉन पोलर मोलिक्यूल है जिसमें डाइपोल मूवमेंट नहीं नहीं होता वो आपका नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है और इसमें नोबल गैसेस भी इंक्लूडेड है ठीक है इसी तरह से जो पोलर मोलिक्यूल होते हैं वो पोलर मोलिकुलर सोलिड होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट होता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ होता है यानी कि जैसे आइस है है ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया अब इसमें फिजिकल नेचर देख लेते हैं ये सॉफ्ट होते हैं कौन आपके नॉन पोलर और पोलर आइस तो आप जानते हो हार्ड होती है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं ये हार्ड है ये तीन ही टाइप के मोलिकुलर सोलिड इंसुलेटर है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है अगला टाइप देखते हैं आयनिक सोलिड आयनिक सोलिड नाम से ही पता चल गया इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं आयन होते हैं जैसे एनए और सीएल है तो ये माइनस और ये प्लस यानी कि कैटायन और एनआईन जो है ये कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स है ठीक है अब इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन फोर्स गुलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स स्थिर विद्युत की अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है ये कुछ एग्जाम्पल्स है एम जी जेड एन एस है सी ए एफ टू है एन ए सी एल है ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं ये हम जानते हैं ये हार्ड होते हैं ब्रिटल यानी कि भंगुर होते हैं ये है ना अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंपॉर्टेंट ये है कि ये सोलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं है ना सोलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं लेकिन ये मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सोल्यूशन इनका बना दिया जाए तब ये कंडक्टर हो जाते हैं यानी कि मोल्टन स्टेट है ना अः मोल्टन स्टेट का मतलब आ, आ, क्या बोलते हैं पिघला हुआ मेटल ठीक है पिघला हुआ कंपाउंड तो ये मोल्टन स्टेट और ये एक्वस Uh, सोल्यूशन कंडक्टर होते हैं और जब ये हाई होते हैं हार्ड होते, है, है, होते, है, है? होते हैं मेटेलिक सोलिड जानते ही हो आप लोग मेटेलिक बॉन्ड होता है अट्रैक्शन फोर्स तो अब मेटेलिक सोलिड में पार्टिकल कौन से होते हैं पार्टिकल पॉजिटिव मेटल आयन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन electron, इलेक्ट्रॉन्स का जो सी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डीलोकलाइज सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन में ये मर्ज रहते हैं ठीक है इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं जिसमें ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये इलेक्ट्रॉन का जो सी है उसमें Merge रहते हैं तो इस तरह से इसकी मेटल की स्ट्रक्चर होती है मेटलिक बॉन्डिंग ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये हार्ड होते हैं मेलियबल होते हैं डक्टाइल होते हैं ये मेटल के कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हो मेटल कंडक्टर होता है सोलिड में भी होता है और मोल्टन स्टेट में भी होता है ये भी आप जानते हो और इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो आइनिक सोलिड से ज्यादा होते हैं फेयरली हाई है high, ना ओके okay. लास्ट है आपका कोवेलेंट

कार्बाइड यानी कि कार्बोरंडम इसको बोलते हैं है ना ये भी आपका क्या है नेटवर्क सोलिड है कार्बन कार्बन की डायमंड फॉर्म हो चाहे ग्रेफाइट फॉर्म हो एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो और एक एग्जांपल एक और जोड़ लीजिए बोरोन नाइट्राइड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये सारे एग्जांपल आपको पता होने चाहिए ठीक है ये हार्ड होते हैं हार्ड होते हैं ना? और ये इंसुलेटर होते हैं और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो काफी ज़्यादा हाई होते हैं एक्सट्रीमली हाई ठीक है अब इसमें जो ग्रेफाइट का केस है वो एक्सेप्शन केस है वो अपवाद है क्या अपवाद है ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और सोलिड लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है और ग्रेफाइट ही कंडक्टर होता है यानी कि बाकी सब देखिए इंसुलेटर है लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और सॉफ्ट है तो ग्रेफाइट यहाँ पर एक अपवाद के रूप में है तो इसको ये था एक इसका एक छोटा सा समरी और अब यहाँ पर ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर स्ट्रक्चर डायमंड का है ये ग्रेफाइट का है इनमें हाइब्रिडाइजेशन आप याद रखना डायमंड में sp3 और ग्रेफाइट में sp2 होता है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर होती है जिसमें हेक्सागोनल रिंग्स होती है और ये हर कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है याद रखिएगा और इलेक्ट्रिकल का कंडक्टर होता है ठीक है और सोलिड लुब्रिकेंट के रूप में ये यूज होता है कौन ग्रेफाइट इतनी बात हुई यस yes. अब चलते हैं आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं क्या हाँ है, तो सही ये देखिए एनसीआर का इंटेक्सड क्वेश्चन है 1.6 इसमें हमें क्लासिफाई करना है तो सबसे पहले ये पोटेशियम सल्फेट है ये तो आइनिक सोलिड है आइनिक सोल्ट है आप जानते हैं टिन ये मेटेलिक सोलिड है बेंजीन ये मोलिकुलर सोलिड है यूरिया ये भी मोलिकुलर सोलिड है अमोनिया ये भी मोलिकुलर सोलिड है आपका वाटर है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड भी बोल सकते हैं हाँ मोलिकुलर सोलिड में हाइड्रोजन बॉन्डेड है ठीक है कोई बात नहीं आपका जिंक्स

सोलिड स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है एक्सट्रीमली हाई तो ये तो कौन से होते हैं कोवेलेंट होते हैं है ना या नेटवर्क होते हैं ग्रेफाइड है? तो इसी तरह से ये 1.9 देखिए विच टाइप ऑफ सोलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेलिएबल एंड डाइल ये कौन से होते हैं मेटेलिक होते हैं जो मेलियेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं तो ये एनसीआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन थे इसी के साथ हमारे पास आ, कुछ और क्वेश्चन भी है क्या फटाफट देखते हैं कुछ हमारे पास क्वेश्चन है क्या ताकि वीडियो कम से कम लंबा हो यस yes. तो ये सेम इंटेक्सट क्वेश्चन है लास्ट में चलते हैं कहीं कुछ चैप्टर एंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी में हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या यस yes, हमें एक क्वेश्चन मिलना चाहिए हाँ ये रहा ये देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीआर में हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 पर इनको क्लासिफाई करना है ठीक है तो ग्रेफाइट तो आप जानते ही हो कोवेलेंट होता है ब्रास आप जानते हो मेटेलिक होता है रूबिडियम भी मेटेलिक होता है एल आयनिक बी सोलिड होता है सिलिकन ये कोवेलेंट सोलिड होता है नेटवर्क सोलिड होता है जरा ध्यान रखना ये फोस्फोरस डेकोक्साइड ये आपका मोलिकुलर सोलिड है अमोनियम आयोडीन मोलिकुलर सोलिड है फोस्फोरस मोलिकुलर सोलिड है प्लास्टिक आपका एमोरफस सोलिड है. 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 है तो इस तरह से ये जो है ये आपको ध्यान रखना है ये था एन का चैप्टर एंड एक्सरसाइज अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और हमारे पास कुछ है क्या यस yes, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस आयोडीन मोलिक्यूल्स यस आयोडीन मोलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पूछा इसने तो आयोडीन मोलिकूल हम लोग जानते हैं मोलिकुलर सोलिड होते हैं और मोलिकुलर सोलिड में कौन सा अट्रेक्शन तो सही है. Network solid. Network solid कौन सा है आप जानते हैं एसओ टू नहीं है आई टू भी नहीं है डायमंड एक नेटवर्क सोलिड है डायमंड्रेफाइड एल्यूमिनियम नाइट्राइड बोरोन नाइट्राइड सिलीकन सिलिकन कार्बाइड ये सब इसके एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है वो कौन से हैं देखिए मैग्नीशियम ये तो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आयोडीन आपका नहीं है मोलिकुलर सोलिड है ये भी मोलिकुलर सोलिड है ये इंसुलेटर हैं दोनों के दोनों लेकिन हाँ ये इंसुलेटर है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड सही है ये जो टाइटेनियम ऑक्साइड है इससे जरा बच के रहना बैंड थ्योरी थ्योरी के बेसिस पे ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जबकि आपको लग ऐसा रहा होगा कि ये आयनिक सोलिड भी जो आयनिक सोलिड है है ना वो सोलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं लेकिन ये एक तरह से एक्सेप्शनल केस है टाइटेनियम ऑक्साइड ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है ठीक है इसको जरा ध्यान रखना बैंड थ्योरी की एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सोलिड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है भाई तो आयनिक सोलिड का कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन बोल्टन स्टेट नहीं भाई इनकी अच्छी खासी कंडक्टिविटी होती है वेरी लो वैल्यू नहीं होती है इसलिए ये नहीं आ, होता है इनका कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन सही है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सब जानते हैं फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये मैंने वो बताया था टाइटेनियम ऑक्साइड का ये वापस उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है विच ऑफ द जिसमें एक्सेप्शन है कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जिसमें कंडक्टर और इंसुलेट इंसुलेटर होना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो कंडक्टर हो जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वो इंसुलेटर हो जाएगा ये आपका टाइटेनियम का ऑक्साइड है टाइटेनियम ट्राईऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट है इसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बैंड गैप है वो कम हो जाता है और इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो इसलिए जरा बच के रहना इंपॉर्टेंट है मेटल के ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल के जैसी होती है तो वो क्रोमियम का ऑक्साइड है ये देख लीजिए इसमें कंडक्टिविटी मेटल की जैसी होती है लेटिस प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड यस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या नहीं हो सकता देखिए इलेक्ट्रॉन एक कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल नहीं हो सकता है ना तो ये क्रिस्टल लेटिस में लेटिस को इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं कर सकता मोलिक्यूल आयन एटम सब कर सकते हैं आपका इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज तो ग्रेफाइट को हम क्या नहीं बता सकते ग्रेफाइट कंडक्टिंग है है कंडक्टर नेटवर्क सोलिड भी है कोवलेंट सोलिड भी है यस आयनिक सोलिड नहीं है तो ये आंसर इसका सही है ये थे हमारे साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन एनसीआर टी एग्जाम्पलर क्वेश्चन अब कुछ और देखते हैं ये हमारे पास कुछ जेई के क्वेश्चन हैं जेई 2020 में इन्होंने पूछा हुआ है कि X melts at low temperature, low temperature पे melt होता है और bad conductor है electricity का liquid में और solid state दोनों में तो X क्या है बोल करके zinc sulfide नहीं ये metallic uh, uh, metallic solid है ये so, uh, molten state में conductor होता है silicon carbide लो टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता ये भी नहीं है मर्क्यूरी ये तो पहले से ही मेल्टेड होता है और ये कंडक्टर भी होता है तो ये भी नहीं है कार्बन टेट्राक्लोराइड ये देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड लो मेल्टिंग पॉइंट आप आपने ध्यान दिया मोलिकुलर सोलिड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट से आपको पहचानना है वो किसका है वो है आपके किसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है लिक्विड में और सोलिड स्टेट दोनों में उसके बाद में आई में एक और आया हुआ है क्या आया हुआ है देखते हैं तो फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवलेंट क्रिस्टल्स कोवलेंट क्रिस्टल्स में कौन एग्जिस्ट करता है भाई सिलिकॉन करता है ठीक है ये मोलिकुलर है ये भी मोलिकुलर है ये भी मोलिकुलर है इसकी हम बात कर चुके हैं यस अमंग द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉटर वॉटर के लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है भाई तो वॉटर के लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन है वो मोलिकुलर सोलिड uh, होता है तो ये कुछ जेई के क्वेश्चंस थे कुछ नीट के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कुछ है क्या हमारे पास यस yes, है 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 तो तो सही इन्होंने पूछा कैटायन कैटायन नीट कब आया हुआ है? 2000 में एंड इन ए क्रिस्टल तो कौन सा क्रिस्टल बनेगा भाई आयनिक बनेगा ये कोई पूछने की बात है यस yes. ये बोला है दो आयनिक सोलिड है कैल्सियम ऑक्साइड और के है ना इनके लिए क्या गलत है रॉन्ग पूछा है कौन सा गलत स्टेटमेंट है तो इसके लिए ये गलत है के आई इज सोलिन नहीं भाई के आई आइनिक सोलिड है और वो पोलर सोलवेंट्स में डिजोल्व होगा लाइक लाइक वाले फॉर्मूले से होगा ये ठीक है तो यहाँ पर ये गलत है के आई के लिए ये आपका जो है वो कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास जो कि इसमें आए हुए हैं नीट के एग्जाम में और कुछ देख लेते हैं यस yes, आरपीएससी के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं ये लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन जो है वहां से लिए हुए हैं दो क्वेश्चन दो हजार चौदह से पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा है काफी लंबा है आप इसको पढ़ लीजिएगा इन्होंने बहुत सिंपल है इसका आंसर यहाँ से आएगा इट इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस ये हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है तो हार्डेस्ट सबसे ज्यादा हार्डेस्ट तो आप जानते ही हैं डायमंड और बाकी इसकी इन्होंने प्रॉपर्टी लिख रखी है आप इसको करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो यहाँ पर ग्रेफाइट का इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो हम जानते हैं ग्रेफाइट का तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन आरपीएससी का जो टेक्निकल एजुकेशन का जो लेक्चरशिप का एग्जाम होता है उसके उसमें आए हुए हैं कुछ और क्वेश्चन भी है क्या हम्म 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 नहीं है कुछ नहीं है इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ उम्मीद करता हूं कि मैं इसे थोड़े कम टाइम में खत्म कर पाया हूं ताकि आपका कम टाइम वेस्ट हो थैंक यू थैंक यू वेरी मच बने रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा थैंक यू थैंक यू वंस अगेन